मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो इतना अच्छा डांस करता है, सुबह जल्दी उठता है, मेहनत करता है, मतलब अब इतना बड़ा हो गया है वो, मतलब डांस करता है, पूरा डांस सीख गया है, अच्छा डांस करता है। तो दोस्तों मैं इससे पूछता हूँ कि तुमने डांस कैसे सीखा और तुम्हारी रुचि कैसे हुई। तो धर्मेश जी आप बताइए, आपने डांस शुरू में कैसे किया और सबसे पहले क्या किया? मैंने जा मैं जब माइकल जैक्सन को देखा था तब वो डांस करता था, तब मेरे को ऐसा लगा था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और मेरे सर ने भी बोला था, मैं गया था वहाँ पे एकेडमी, तो पहले तो वहाँ पे वो सारे बंदे थे, मेरे को मतलब पूरा जीरो था, मैं इतना नहीं आता था मेरे को डांस। और मैं वहाँ पे करता था, बड़े बड़े भैया थे वो भी अच्छे डांस कर लेते, लेकिन मैं जब डांस करता ना तो ऐसे बैठे रहते थे भैया, लेकिन वो जब भी मैं स्टेप करता ना तो आज वो हंसते थे मेरे पे, कुछ तो कुछ मतलब अंदर से गिल्टी फील होता था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं सकता। लेकिन तब एक दिन ऐसा आया कि चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैंने उस टाइम से ठान ली कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना, क्योंकि सर मरते तो सारे लोग हैं और हम कुछ करके मरे वो एक असली पहचान होती है। तो दोस्तों इसने बताया कि भाई जुनून रखना चाहिए किसी भी चीज़ में। जब इसने एकेडमी में गया था ये, तो इसको ये लगा कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, ये लोग कितना अच्छा अच्छा डांस कर लेते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूँगा। फिर इसने घर जाके पूरे दिन सोचा कि यार मैं करूँगा। इसके दिल में ये वही चीज़ घूम रही थी पूरे दिन, मेरे को करना है। तो अगले दिन ये डेली वहाँ पर जाता था और डांस करने के लिए ट्राई करता था। तो आपने मतलब शुरू में क्या किया ऐसा, तो उससे आपकी रुचि बढ़ी? मैं तब मतलब जोश आ गया, मेरे को कुछ करना है। मैंने क्या, मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी, किसी हालात ख़राब थे मेरे पढ़ाई में, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की ऐसी स्थिति थी, मजबूरी थी। लेकिन मैंने सोचा ये एक रास्ता है जो इसमें कुछ मैं कर सकता हूँ और कुछ बन सकता हूँ, और मेरे को पूरा विश्वास है मैं इसमें अपना 100% दूंगा। तो दोस्तों इसने बताया कि इसने डांस के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई, पढ़ाई नहीं छोड़नी, लेकिन इसकी स्थिति घर पे ऐसी थी तो इसको डांस के लिए मतलब अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये थोड़ा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए दोस्तों इसने मतलब एक ही चीज़ पर दिमाग लगाए रखा कि मेरे को सीखना है डांस सीखना है। तो कोई भी व्यक्ति अपना टैलेंट मतलब पहचान लेने के बाद में डांस कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, जो इसमें टैलेंट हो, वो टैलेंट अंदर का टैलेंट होता है, वो अपना टैलेंट बाहर निकालो दोस्तों। अब कोई भी व्यक्ति में, सब में होता है टैलेंट, अलग अलग टैलेंट होता है, वो अपना टैलेंट बाहर निकाल देगा तो वो लोगों को दिखाई देगा, तब पता चलेगा कि इसमें कुछ टैलेंट है। तो इसमें इसको मतलब लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ, इसको टैलेंट था तो इसने मतलब टैलेंट दिखाना शुरू किया। तो आपने, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने डांस तो मतलब अच्छा सीख लिया आज तक और अच्छा करते हो, तो आप मतलब शुरू में, और आप एक वो क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग करना आपने कैसे सीखा, इसके लिए आपने क्या क्या किया? मैंने दिमाग में ठान ली थी मेरे को ये करना है, चाहे कितना भी कितना दर्द हो, लेकिन पहले दर्द होता था, मतलब मेरे आँख से आंसू निकलते थे बहुत सारे, लेकिन जो लोगों की बातें हैं ना वो ज़्यादा चुभती थी मेरे को, इसलिए उस चीज़ को ना दर्द बना ले कि मतलब उस चीज़ को ना हिम्मत बना ली, जोश बना ली कि जो मेरे को ये बंदा बोल रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, जो एक बात होती है तो कुछ नहीं कर जाते, वो एक दिन मेरी अम्मी जान के थे जो कमाल कर जाते हैं। देखो दोस्तों इसने कितनी अच्छी बात कही है, जो लोग कुछ नहीं करते हैं तो वो एक दिन इतना अच्छा कर जाते हैं तो लोग देखते देखते रह जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद को पहचानना जरूरी है इसके लिए। तो आपने स्ट्रेचिंग के बारे में नहीं बताया, स्ट्रेचिंग के लिए क्या क्या करना होता है, थोड़ा आप करके बताइए। स्ट्रेचिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपको ये चीज़ लेनी, हाँ, अगर ये चीज़ आपकी अच्छी आगे ना तो ये चीज़ आगे ना तो ये चीज़ ये लेनी चाहिए आराम से, और इसकी पर ये चीज़ आगे ना तो आराम से आपको ये पैर ऐसे लेना है और एक पैर ऐसे लेना है, और हाथ में रखना है, अगर चलो आपको ये दिक्कत होती है तो हाथ ऐसे रख भी सकते हो, ऐसे रख भी सकते हो, इसे इससे क्या एकदम बॉडी के थोड़े फेल हो जाएगा, ये हो गया ना आराम से, ये चीज़ हो जाती है ना आराम से, बस आराम से ना ये चीज़ हो जाएगी, अगर ये चीज़ हो जाएगी ना फिर आराम से ऐसे नहीं ले लिया, फिर धीरे धीरे जितना आप ऐसे करोगे ना इसको ऐसे करो तो इसको आराम से यूं करके यूं खोल लो, बस और कुछ नहीं इसमें, और ये चीज़ आपको करनी, इससे क्या ये जॉइंट खोलेंगे, सारे जॉइंट खोलेंगे, जॉइंट खोलेंगे ना पर चीज़ यहाँ पर ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा फिर आपकी स्ट्रेचिंग कवर हो जाएगी। क्या आप बता सकते हो स्ट्रेचिंग कोई भी व्यक्ति खोल सकता है या किसी के मतलब शरीर में ऐसा होता है? नहीं खोल सकता है, मतलब उसको ट्रेनर की बहुत जरूरत है, अगर वो गलत जगह से खोले तो उसको पैर में कुछ मतलब नुकसान हो सकता है, इधर उधर नसें खींच सकती है, तो यूट्यूब पे जाइए सर्च मारिए बहुत सारी चीजें हैं, या कोई अच्छे से टीचर से या सीखे मतलब तरीके से उसको करें ताकि पेन ना हो। तो ये करने के लिए मतलब दर्द होता है क्या, नहीं होता है? देखो पहले तो होगा शुरुआत में, आप मैंने बोला इतना इतना करना है तब ऐसा होगा ना, तो आराम से करना एकदम,
मतलब सावधानी से करना है, कहने का मतलब सावधानी से करना है, ऐसे वैसे करोगे तो आपको कुछ भी हो सकता है, तो आप गाइड लेके करो। रिस्क है ये चीज, इससे आप कुछ भी ना, आपका माउंट पॉइंट है ना, ये भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे से करोगे ना जो मैंने अभी एक्सरसाइज किया, और वो चीज को फॉलो करोगे ना तो 7 या 8 दिन 10 दिन में ना हो जाती है कवर। तो धर्मेश, मैं आपको एक परिवार से रिलेटेड आपको छोटा सा एक पूछता हूँ, आप बता सकते हो? मैं पूछता हूँ, आप मतलब कितने भाई बहन हो घर पे? मैं क्या, मेरा एक छोटा भाई है और दो सिस्टर है, उनकी शादी हो गई और एक मेरा छोटा भाई है, हमारी क्लास में पढ़ता है में। और आपके पापा क्या करते हैं? डैड तो नहीं है मेरे, जब मैं 8 साल का था ना तब उनकी डेथ हो गई थी, एक मेरा बड़ा भाई भी था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने ये सोचा था कि घर पे कोई नहीं है, उस पर जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए वो गया था मुंबई कुछ पैसे कमाने के लिए। तब वो गया था, तब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जैसे उसको कोई बीमारी हो गई थी, अच्छा। पीलिया वगैरह हो गया था, तो मॉम को किसी को बताया नहीं, ना मेरे को, मैं उस टाइम छोटा था, मतलब 10 साल का था, और मेरा भाई लक्ष्य 15 या 16 साल का था, तब उसने ऐसे क्या दिमाग में ऐसे प्रेशर आ गया, उसका सेठ वगैरह उसको ना मतलब इतना इतना दुख देता था, पूछो मत, मतलब वो जहाँ काम करता था उसको, मतलब उसको जहाँ काम करता था वो व्यक्ति उसको प्रेशर डालता था, ऐसे करो ऐसे, और वैसे घर में लगता था और रात को 1-2 बजे उसको छोड़ते थे, इसलिए उसके ब्याह ऐसे मतलब बहुत मेहनत करता था फिर भी वो प्रेशर डालता था, और घर की स्थिति ऐसी थी तो उसको काम भी करना जरूरी था, और तू उससे छोटा था, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी दुनिया वालों के सामने, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर क्या हुआ आपके भाई, मतलब एकदम सही है, अब क्या कर रहे हैं? उसकी भी डेथ हो गई, मतलब उसकी जब वो पहली बार गया था ना, दूसरी बार उसकी बॉडी आ गई थी, पहली बार में ही उसकी बॉडी आ गई थी, इसलिए मॉम ने मैंने इतना प्रेशर आ गया था, मतलब हम सब बिखर गए थे। मैं जब छोटा था, जब मेरा भाई भी था वो 6 साल का था, और मैं लगभग 8 साल का था, और मेरी मॉम थी और दो सिस्टर थी, बस छोटा सा परिवार था, इसलिए ऐसी कंडीशन आ गई हमारी, और हमने कैसे करके मैनेज करके कुछ अपने आप को प्रूव किया कि हम ऐसे बेटर फील कर सकते। तो दोस्तों देखो, इसके साथ कैसा हुआ, इसका भाई भी नहीं रहा इस दुनिया में, क्योंकि वो कमाने के लिए जाना भी ज़रूरी था, इसके पिताजी तो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, तो इसका भाई कमाने के लिए मुंबई गया था, तो वहाँ पे उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, उसने प्रेशर में आके मतलब ऐसा कुछ हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों देखो, कैसी स्थिति होने के बावजूद भी इसने, इस बंदे ने अपने आप को मतलब जगाए रखा, इतनी हिम्मत रखी कि मेरे को कुछ करना है, आज भी अब भाई गया है तो क्या हुआ, मेरे को कुछ करना है। इसको मतलब इसको हौसला दिलाने वाले इसके परिवार वाले भी थे, इसकी मम्मी ने भी बोला होगा कि बेटा कुछ नहीं, तो जो तेरे को आता है वो कर, लेकिन इसने पढ़ाई तो छोड़ दी थी क्योंकि इसके हालात कुछ ऐसे थे, पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी ये हिम्मत की इसने कि भाई मेरे को कुछ करना है। ये थोड़ा काम भी करता है, काम के साथ साथ डांस सीखता है, डेली प्रैक्टिस करता है घर पर, मेहनत करता है। 10 घंटे काम करता हूँ, और लगभग रात को टाइम मिलता हूँ या सुबह को टाइम मिलता है, तो फिर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जो भी उसमें जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें 100% देता हूँ अपना। देखो दोस्तों, हो जाए मतलब करना है, ये चीज़ करनी है करनी है, चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए, लेकिन ज़िंदगी से हारना नहीं है। देखो दोस्तों, करना है, कितनी अच्छी बातें बता रहा है, आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसे बातें बताने वाला। ये बोल रहा है कि भाई मेहनत करते रहना चाहिए, अपना हौसला जगाए रखो, हौसले को मत टूटने दो, हौसला रखोगे तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपने बहुत अच्छा, थैंक यू धर्मेश जी, आपने पूरी अपनी लाइफ बताई। तो धर्मेश जी, मैं आपका एक छोटा सा डांस देखना चाहता हूँ, जिससे मतलब कोई भी देखे तो आपको मतलब समझे कि भाई वाकई में इसने मेहनत की है, संघर्ष किया है। अच्छा डांस आप एक गाने पर डांस करके दिखाइए, सॉन्ग लगाइए भैया।
थैंक यू दोस्तों, इसने बहुत ही अच्छा डांस किया। धर्मेश जी धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसने देखो कितना अच्छा डांस किया। और भी इसको अच्छे अच्छे डांस आते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।